हज 2020 की तैयारियों को लेकर कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रोशन बेग से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद काजी ने खास बातचीत की। हज 2020 के लिए कुर्रा अंदाजी का आगाज हो चुका है, इसी के साथ हज 2020 की तैयारी भी हो रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रोशन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सब किस तरह से तैयारियां हैं और क्या उम्मीद की जा रही है? हमेशा की तरह जो रियासत कर्नाटका के हुज्जाज इकराम को यहाँ से अलविदा कहने के लिए जो हज हाउस में जो तैयारियाँ हमेशा होती हैं, उस साल भी इंशाल्लाह वही तैयारियाँ होंगी। अभी यहाँ के वज़ीर आला रियासत कर्नाटका के, उन्होंने आके ये खुर्रा अंदाजी का आज खुर्रा का उन्होंने आज इफ्तिताह किया है। हमें उम्मीद है कि पिछले साल की तरह भी मरकज़ी हुकूमत इसी तरह हमसे ताउन करेगी। और आज मैंने ये वज़ीर आला के सामने ये डिमांड रखा है कि चार अजला गुलबर्गा, बीदर, रायचूर और यादगीर, ये चार अजला के जो हुज्जाज इकराम हैदराबाद जाए। 48 घंटे उनको हैदराबाद जाना पड़ता है, वहाँ तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो चूंकि अभी गुलबर्गा का फ़्लाइट शुरू हो चुकी है, गुलबर्गा से फ़्लाइट अभी बेंगलोर से कमर्शियल फ़्लाइट शुरू हो चुकी है, तो हमारी दरख्वास्त ये है, वह अभी वज़ीर आला से मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमको दिल्ली ले जाएँ और वज़ीर हवाई जहाज़ से मुलाकात करके ये डिमांड सामने रखें। और जिस तरह से बंगलोर से फ़्लाइट जाती है, इस तरह एक चार फ़्लाइट अगर गुलबर्गा से जाए तो बीजापुर और बागलकोट के अजला भी जम जाएंगे। मतलब छः अजला बीजापुर, बागलकोट, बीदर, रायचूर, यादगीर, गुलबर्गा, चार अजला जो हैं, छः अजला के हुज्जाज इकराम यहाँ से रियासत कर्नाटका से, वहाँ से गुलबर्गा शहर से, कलबुर्गी शहर से डायरेक्ट वो उस मुकदस सरजमीन पर जाएंगे। दीगर जो तैयारियां हैं वो किस तरह से हो रही हैं? जिस तरह हमेशा हर साल होती है उसी तरह तैयार हो। ये थे रोशन बेग साहब, इनका कहना है कि हज कमेटी की जो तैयारियां हैं वो बाकायदगी के साथ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2020 जो है बहुत ही शान व शौकत के साथ यहां पे इफ्तिताह भी होगा और यहां से बड़ी तादाद में लोग हज के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, तहजीब टीवी, बेंगलुरु। नवाबों के शहर लखनऊ में